स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार कर लिए गए। शाहजहांपुर की एक छात्रा ने चिन्मयानंद पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। बहुत दिनों तक केस दर्ज नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, यूपी पुलिस पर दबाव बढ़ा, SIT इसका गठन हुआ और आज चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई सुबह के वक्त मुमुक्षु आश्रम से। मुमुक्षु मोक्ष की चाह रखने वाला, मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति, जन्म मृत्यु और इस तरह के सारे संदेहों से, दुखों से, अज्ञानता से मुक्ति। चिन्मयानंद ने क्या किया आगे बताऊंगा। फिलहाल तो ये जानिए कि SIT की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चिन्मयानंद ने कबूल किया है कि इस केस से जुड़े जो कथित वीडियो वायरल हुए हैं वो उन्हीं के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नंगे होकर मसाज कराने पर वो शर्मिंदा है। क्या थे ये वायरल वीडियो, ये मामला क्या है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 72 साल के चिन्मयानंद नाम में स्वामी लगाते हैं, वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, कई लोकसभाओं में सांसद। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद की देखरेख में स्वामी सुखदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चलता है। उस कॉलेज की छात्रा ने इल्जाम लगाया कि चिन्मयानंद ने उनका वीडियो बनाया, उन्हें ब्लैकमेल किया और कई बार बलात्कार किया। आरोपों की माने तो बात शुरू हुई जून 2018 से, जब छात्रा ने कॉलेज में दाखिला लिया। कुछ दिनों बाद चिन्मयानंद ने लड़की को कॉलेज की लाइब्रेरी में नौकरी ऑफर की। आर्थिक स्थिति खराब थी लड़की की, इसलिए वो काम करने लगी। अक्टूबर 2018 आते आते छात्रा पर कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट होने का दबाव पड़ा। कुछ दिनों बाद चिन्मयानंद ने लड़की के इल्जामों के मुताबिक छात्रा को अपने मुमुक्षु आश्रम में बुलाया। वहां पर क्या हुआ, छात्रा का इल्जाम है कि चिन्मयानंद ने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें वो लड़की अपने हॉस्टल के बाथरूम में नहा रही थी, किसी ने चोरी से इसे बना लिया था। चिन्मयानंद ने इसे वायरल करने की धमकी दी और फिर बलात्कार किया, बलात्कार का वीडियो बनाया और यौन शोषण का सिलसिला शुरू हो गया। छात्रा का इल्जाम है कि चिन्मयानंद के सहयोगी उसे डरा धमकाकर बार बार चिन्मयानंद की मालिश करवाने ले जाते थे। ये बात पूरे हॉस्टल को, पूरे कॉलेज को पता थी। ये सब चलता रहा जुलाई 2019 तक। फिर लड़की ने तय किया, जो उसने बयान दिया है उसके मुताबिक, कि मैं खुद कैमरे से चिन्मयानंद का इन सब हरकतों का एक वीडियो बना लूं। लड़की ने कैमरा ऑर्डर किया, चश्मे में कैमरा लगा हुआ था और उससे वीडियो बनाया। वो अगस्त में कॉलेज से निकल गई। 24 अगस्त को फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इल्जाम लगाए। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में मामले लिखाए गए। यूपी पुलिस पर इल्जाम लगा शुरुआती जांच में ढिलाई बरतने का। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। CJI को महिला वकीलों ने चिट्ठी लिखकर संज्ञान लेने की अपील की। कोर्ट के दखल के बाद यूपी पुलिस को SIT बनाने का आदेश दिया गया। 8 सितंबर से SIT ने पूछताछ शुरू की। तब तक रेप के आरोपों के तहत कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। 12 सितंबर को चिन्मयानंद से पूछताछ शुरू हुई। 14 सितंबर को छात्रा ने SIT को पेनड्राइव सौंपी जिसमें चिन्मयानंद के 43 वीडियो थे। इनमें से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी लीक हुए। 18 सितंबर को छात्रा फिर मीडिया के सामने आई, रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज न होने पर आत्मदाह की बात कही। इस बीच चिन्मयानंद के बीमार होने की खबर आई, वो तस्वीरें आईं जिसमें वो ECG कराते नजर आ रहे थे। कल यानी 19 सितंबर को चिन्मयानंद अस्पताल से अपने मुमुक्षु आश्रम पहुंचे और आज उनकी गिरफ्तारी हुई। कौन है चिन्मयानंद जिसके साहस या कि दुस्साहस की कहानी पूरा देश सुन रहा है। मूलतः गोंडा के रहने वाले, पूरा नाम कृष्णपाल सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की डिग्री ली। 24 बरस के हुए तो मुमुक्षु आश्रम पहुंचे, स्वामी धर्मानंद के शिष्य बने, JP के आंदोलन में शामिल हुए और धीरे धीरे जनसंघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं के करीब हो गए। 1980 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन परवान चढ़ा तो चिन्मयानंद विश्व हिंदू परिषद के भी करीब आ गए। 1985 में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के साथ मिलकर राम मंदिर मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। समिति को संघ और विहिप का आशीर्वाद और साथ मिला हुआ था। आगे चलकर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब इस समिति के ऊपर भी खूब सवाल उठे, इसकी भूमिका को केंद्रीय बताया गया। 1987 में यानी मस्जिद गिराए जाने से 5 बरस पहले चिन्मयानंद के गुरु स्वामी धर्मानंद का निधन हुआ। फिर चिन्मयानंद को शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम और हरिद्वार के धर्म गंगा परिमार्थ आश्रम का चार्ज मिल गया, वो मुखिया हो गए। राम मंदिर आंदोलन से निकले कई साधु संतों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया था, चिन्मयानंद भी उनमें से एक थे। 1991 में उन्हें बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया। बदायूं से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था, पर राम लहर थी, जीत गए।
96 हारे, 98 में मछली शहर भेजा गया, जीते, 99 में जौनपुर से जीते और फिर 2003 में राज्य मंत्री बनाए गए गृह विभाग के। वो आडवाणी को सीधा रिपोर्ट करते थे, ऐसी खबरें हैं। खबरें हैं कि राम मंदिर आंदोलन से निकले जो बड़े चेहरे थे आडवाणी, जोशी, उमा भारती, उनसे उनके करीबी ताल्लुक थे। महंत वैद्यनाथ से जुड़ा होने की वजह से योगी आदित्यनाथ से भी करीबी की खबरें आई। राजनीति में आखिरी बार उनका हल्ला मचा इस घटना से पहले 2014 में, जब भाजपा ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। बात करेंगे 3 FIR की जो चिन्मयानंद के केस में दर्ज हुई है। पहली FIR दर्ज कराई ओम सिंह ने, चिन्मयानंद के वकील। FIR में अज्ञात लोगों के खिलाफ धमकी देने और फिरौती मांगने का आरोप था। इस FIR में आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की के संबंधी हैं। FIR में लड़की का भी नाम है और कहा जा रहा है कि जब SIT अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेगी तब हो सकता है कि लड़की को भी गिरफ्तार किया जाए। दूसरी FIR पीड़िता के पिता की, चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और धमकी देने का आरोप। और तीसरी FIR 0 FIR, ये दिल्ली में दर्ज की गई थी 7 सितंबर को पीड़िता के द्वारा। कानून ये छूट देता है कि आप घटना के क्षेत्र या प्रदेश से बाहर भी FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ऐसी FIR को 0 FIR कहते हैं। ये FIR बाद में SIT को हस्तांतरित कर दी गई। आप जानना चाहेंगे कि इस मामले में आगे क्या होगा। SIT इस मामले में 23 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेगा। SIT ने चिन्मयानंद के खिलाफ सीधे सीधे IPC की धारा 376, बलात्कार वाली धारा, इसमें मामला दर्ज नहीं किया। 376C के तहत मामला दर्ज किया, इसमें शोषण से जुड़ी धाराएं होती हैं। इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 5 या 6 साल की सजा हो सकती है, इसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा जानकारों ने बताया। लेकिन इसके अंतर्गत अभियुक्त को कुछ फाइन भी देना पड़ता है, पर उतनी सख्त सजा नहीं होती जितनी रेप के केस में। चिन्मयानंद के अलावा SIT ने 3 लोगों को और गिरफ्तार किया। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, लड़की के संबंधी। सूत्र बताते हैं कि ये लड़की के चचेरे भाई हैं और चिन्मयानंद के वकील ने, उनके लोगों ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये वीडियो वायरल कर पैसे की वसूली करना चाह रहे थे और उसकी मांग कर रहे थे। इसके अलावा क्या हुआ, ये पूछा गया कि SIT ने चिन्मयानंद की रिमांड क्यों नहीं मांगी। ये पूछा गया कि SIT ने चिन्मयानंद पर तगड़ी धाराओं में केस क्यों नहीं लगाया। ये पूछा गया कि SIT अब भी चिन्मयानंद पर सख्त क्यों नहीं है, जबकि एक रोज पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सूबे में, अपने राज में लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज्यादा बात कर रहे थे। चिन्मयानंद पर वापस लौटता हूं, उन पर पहले भी रेप का इल्जाम लगा। 2011 में एक महिला ने इल्जाम लगाया कि चिन्मयानंद ने उसका अपहरण किया और हरिद्वार के आश्रम में बलात्कार। साल 2018 में यूपी सरकार ने बाकायदा आरोप वापस लेने के लिए खत लिखा। सरकार के प्रवक्ता, सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये सब जानकारियां दी थी। सरकार का केस हटाने का निर्णय बताया था और कहा था कि अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो वो अदालत में चुनौती दे सकता है। अब जब चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया तो सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यही कि धाराएं हल्की क्यों हैं, जो मैंने रिपीट किया है ताकि आपके जहन में पैबस्त हो जाए। और दूसरी बात, रिमांड क्यों नहीं मांगी। रिमांड नहीं मांगी तो फिर जाँच कैसे करेंगे सख्ती से। यूपी पुलिस तो बहुत सख्त है ना। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना, अपनों का ख्याल रखिए और इस बात का भी ख्याल रखिए कि ख्याल रखने के क्रम में कहीं आप देश के संविधान की, नैसर्गिक न्याय की और कानून की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहे हैं। शुभ रात्रि।